नमस्कार, हर हर महादेव। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सिर्फ सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या आपके घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे जो कहते हैं कुछ बातें, उसे आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आपने हाँ में जवाब दिया है तो ठीक है, आपके लिए ये कहानी एक एंटरटेनमेंट है, सुनिए और बाय बाय। लेकिन अगर नहीं मानते तो ये कहानी आपके लिए ही है। जो नहीं मानते ना, ये उन्हीं लोगों के लिए कहानी है। और अच्छे से सुनिएगा, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस बार बार रिपीट करके सुनिएगा। और वो लोग भी जो ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते या ऐसी सब बहुत सी जो बातें करते रहते हैं, वो लोग खास इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, इसके और भी पार्ट होंगे। और इसी वीडियो के एंड तक हो सकता है कि आपको आपके आसपास ही बैठे नजर आ जाएं या आपके आसपास से ही कहीं वो हवा के रूप में गुजर जाएं या आपको अनुभव ही हो जाए। कुछ न कुछ ऐसा होगा जरूर, मेरा वादा है आपसे। कहानी में बने रहिए। ये कहानी का पात्र मैं बिल्कुल बदल दे रहा हूं, तो ये मेरा फेवरेट नाम है, तो उसी नाम से कहानी की शुरुआत करते हैं। सुधीर, इसे इसके माता पिता ने कहा कि घर में किसी फोन आया है, और किसी जान पहचान का, मतलब वही क्लोज आदमी नहीं लेकिन किसी जान पहचान में किसी के घर में मृत्यु हो गई थी और उसके लिए शमशान जाना था। अब सुधीर को कहा कि भाई तुम चले जाओ। सुधीर ने कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो माँ ने कहा नहीं भाई, जाना तो पड़ेगा, जाओ और वहां से आ घर लौट करके आना है, और घर आने के बाद में नहा के उसके बाद तुम ऑफिस के लिए जाओगी। और ये बात ध्यान रखना, माँ ने 2 से 3 बात ये रिपीट की थी कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती थी कि कैसा गुणी है। और ये सारी बातें बताने के बाद में कहा कि शमशान जाने के बाद में जब बाहर निकलोगे तो सबके साथ ही निकलना, और जो जैसा करता है उसे वैसा वैसा करके फिर निकलना, सिर्फ भागा दौड़ी वाला काम काज मत करना। हाँ 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 कर करके सुधीर गया। जो भी क्रिया होनी थी वहां पर वो हुई। अब ये भाई साहब ने जो कहा जाता है वो सुनना नहीं है, इसलिए मैंने फिर से कह रहा हूं कि अगर जो नहीं सुनते हैं ना वो लोग ये कहानी खास करके सुने, ये उन्हीं के लिए ये कहानी है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो शमशान घाट से जब बाहर निकलते हैं ना तो ये बेसिक चीजें हैं, करनी पड़ती हैं, नहीं की, जैसे कि हाथ पैर वहां पे धो लिए जाते हैं, पानी का कुल्ला कर लिया जाता है, थोड़ा शरीर में पानी डाल लिया जाता है, अगर मंत्रोच्चार करके पानी डालना आता हो तो वो शुद्धिकरण हो जाता है, वो किया जाता है, नीम चबा लिया जाता है, ठीक है, मुंह कड़वा करना जिसे कहते हैं, या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ पत्थर वगैरह लेकर के यूं पीछे डाल देते हैं, पीछे मुड़ करके देखा नहीं जाता। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, नहीं की, कुछ नहीं किया। और सारी चीजें, मतलब शमशान घाट में जो होना था वो होने के बाद में जैसे ही सब निकले, सब अपना अपना कर रहे हैं, इन्होंने भाई साहब ने सुधीर ने कोई ध्यान नहीं दिया, और वहां से निकल करके ये सीधा घर जाने की जगह पर भोजन करने के लिए पहुंच गए। गलती नंबर 2, पहली गलती शमशान में की कि अपना शुद्धिकरण नहीं किया, दूसरी गलती सीधा खाना खाने के लिए पहुंच गए। तुम्हें क्या पता कि अब तुम नहीं खाओगे, कोई और ही खाएगा। ये भाई साहब गए, जाते हैं लॉज में, गए लॉज में, जाने के बाद में खाना खाना शुरू किया। अब इनके साथ में जो बंदा था जिसने इसकी पुष्टि की थी, उनके बताने के हिसाब से वो सुधीर या जो 3 से 4 रोटी खाता था, अब 38 रोटियां बैठ करके खाई हैं, वो भी इनकी तीसरी गलती ये
पहली, दूसरी मैंने आपको बता दी, तीसरी गलती कि इन्होंने सीधा जाकर के नॉनवेज खाया। अब इन्होंने खाया है या इनके साथ में जो था उसे खाना था उसने खाया है, ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों? क्योंकि दो गलती ऑलरेडी कर चुके थे, तो लेकर के तो चले गए हो ना, तो जो खाना है अब तो वही खाएगा ना। इन्होंने 38 रोटियां खाई हैं, नॉनवेज खाया है और उसके बाद में सीधा काम पर निकल गए। काम से निकलने के बाद में ये रात को लौट के घर आया है। घर आने के अब रात को लौट करके सुधीर तो आया है, लेकिन सुधीर के साथ साथ में और कौन कौन आया है ये अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कहानी में बने रहिए। और हाँ, कहानी अगर पसंद आ रही है, थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर जग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए ना। लाइक नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, ना लाइक आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं। कोई क्यों ऐसा हो रहा है या डर लग रहा है? लाइक करने में कोई आपके पीछे नहीं पड़ने वाला है, चिंता मत करो। अब सुधीर रात को घर में आया। घर में आने के बाद में भी आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आने के साथ में सबसे पहले पांव धोए जाते हैं, धुले जाते हैं, हाथ मुंह धोया जाता है, उसके बाद में घर में कोई चीज छुई जाती है। ये सब कुछ नहीं, सुधीर आया, सीधा बैठा और माँ से खाना मांगा। माँ ने कहा कि तुझे तो, तू सीधा शमशान गया था, शमशान से तू घर क्यों नहीं आया? तुझे फोन किए थे, तूने उठाया क्यों नहीं? अरे माँ, फालतू में परेशान मत करो, एक तो काम का इतना बोझ रहता है, ऊपर से आपका भी भाषण मैं सुनता रहूं, मुझे अभी भूख लगी, मुझे खाना दो। माँ ने कहा कि पहले नहा के आ, तभी खाना मिलेगा। नहीं माना, जबरदस्ती माँ से खाना मंगवाया और खाया। फिर वही हाल, उतना ही ज्यादा खाना जितना दोपहर में खाया था। घर का पूरा खाना खत्म करने के बाद सुधीर अब अपने कमरे में गया है। यहां पूरे दिन जो भी चीजें हुई है वो इतनी ज्यादा पैरानॉर्मली एक्टिव नहीं थी कि जिसकी वजह से अभी किसी को कुछ पता चले। पता तो अब चलना था, पता अब चलेगा। सुधीर अपने कमरे में गया, कमरे में जाने के बाद सीधा सो गया। रात के करीब 2 या 2:30 बजे होंगे कि सुधीर की ही उसके कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुधीर चिल्ला, इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि अभी मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं किस तरीके से, जैसे उन्होंने घर वालों ने बताया था। वो लोग जल्दी से दौड़ के गए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद है दरवाजा, और सुधीर बस यही बोले जा रहा है कि ये मुझे मार डालेगी, ये मेरा गला दबा रही है, ये मुझे मार डालेगी, इसे यहां से भगाओ। अब किसी को घर में समझ नहीं आ रहा कि घर में कौन है ऐसा जो सुधीर को मार रहा है। कैसे भी करके घर दरवाजा बड़ी मशक्कत से खोलने के बाद में लोग अंदर गए हैं। अंदर का हाल देख करके सभी लोग हक्के बक्के हो गए हैं, और अगर आप होते तो आपका भी यही हाल होता। यही हाल हुआ है उनके घर के हर सदस्य का। उन्होंने देखा है सुधीर जो एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का है, वो क्या हो रहा था मैं आपको देखिए अब समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आए कि क्या हो रहा था। सुधीर दीवार में लगा हुआ है, ठीक है, अब उसके आगे तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, वो दीवार में लगा है, उसका गला यूं पीछे की ओर होता जा रहा है, हाथ नीचे लटके हुए हैं, हाथ आगे नहीं ला पा रहा, हाथ नीचे लटके हुए यूं यूं कांप रहे हैं, वो दीवार में सटा है और आवाज अब नहीं निकल रही। और वो उसके घर के सारे सदस्यों ने देखा है और कहा है कि जब उन्होंने देखा था तब वो हवा में 3 से 4 इंच ऑलरेडी ऊपर था, और वो ऊपर धीरे धीरे जाए जा रहा था, जैसा उसका गला पकड़ के कोई उसको ऊपर किए जा रहा हो। कैसा लगेगा आपको ये देखने के बाद? ये तो भैया शुरुआत थी। आगे क्या हुआ सुधीर के साथ,
अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो मुझे लिख भेजिए आहट एक अनहोनी की चैनल पर। मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कहानी आप भेजिए। और विश्वास अगर नहीं करते ना तो विश्वास हो जाए, ऐसे भी बहुत से तरीके हैं, उसे करने के बाद मुझे भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपकी कहानी सुनाने में भी। जल्दी ही मिलता हूं आपके साथ, यानी कि कल ही पार्ट टू के साथ में, सुधीर के साथ आगे क्या क्या हुआ ये दिखाने के लिए मैं मिलूंगा। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कहानी ही समझ करके सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पर्दा हिला, कुछ हिला, चप्पल कहीं टकराया, तब भी आपको भूत प्रेत ही नजर आएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपने भगवान पर भरोसा करें, सब ठीक ही होगा। सबके साथ में बैठ करके कहानी सुने, अकेले ना सुने, और रात में तो बिल्कुल भी ना सुने। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।